गाइस साथियों, एक आज हम बात करेंगे जीरो एफआईआर के बारे में। ठीक है, जीरो एफआईआर का जो प्रोविजन था पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा एक एडवाइजरी जारी करी गई थी, उसमें भी जीरो एफआईआर के बारे में बताया हुआ था, लेकिन पुलिस उसको फॉलोअप नहीं करती थी। कोई एफआईआर रजिस्टर करवाने जाता था जहाँ अपराध हुआ है उसके अलावा किसी पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती थी, जीरो एफआईआर रजिस्टर नहीं करती। लेकिन जो नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 23, उसको सेक्शन 173, उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ है जीरो एफआईआर कि कोई भी इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड यदि कोई विक्टिम या कोई इन्फॉर्मेंट लेके आता है तो फिर पुलिस को उसमें इंस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन यानी कि जहाँ पे अपराध हुआ है उसके अलावा उस एरिया के पुलिस स्टेशन के अलावा भी किसी और एरिया के पुलिस स्टेशन में भी वह जो इन्फॉर्मेंट है या विक्टिम है वह कंप्लेंट वे एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, वह इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होनी चाहिए। केस में यदि पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन तो उसमें इस एफआईआर कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, यह एफआईआर जीरो एफआईआर के नाम से जानी जाएगी। और इसके बाद जो जीरो एफआईआर है उसका जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसको वो सेंड कर दी जाएगी उस एरिया के पुलिस स्टेशन द्वारा जिसने जीरो एफआईआर रजिस्टर करी है। तो उसके बाद फिर जहाँ पे अपराध हुआ है जिस एरिया के पुलिस स्टेशन को वह ट्रांसफर करी गई है वो ही इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे।